नमस्ते सभी को एंड थैंक यू मेरे चैनल पर वापस आने के लिए। लास्ट ईयर मैं पंजाब के दिल अमृतसर शहर की एक अमेजिंग ट्रिप पर गई थी और सच कहूँ दोस्तों तो ये ट्रिप मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड हार्टवार्मिंग ट्रिप रही, जो कि फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई थी। सरोवर के बीचों बीच सूरज की तरह चमकती जिस पावन स्थल को आज तक सिर्फ तस्वीरों में या तो टीवी पर देखा था, यकीन नहीं हो रहा है कि आज उसको सामने से देख रही हूँ। ये एहसास मुझे वाकई हम्बलनेस से भर दिया। आगे इस सफ़र में हम पार्टीशन म्यूजियम, जलियांवाला बाग, वाघा बॉर्डर, दुर्गियाना टेम्पल और कई सारी ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे जिनके लिए अमृतसर फेमस है। और मेरे सफ़र में मैं अपने प्यारे दोस्तों को शामिल न करूँ ये हो नहीं सकता, इसलिए आप ही मेरे साथ अमृतसर घूमेंगे। क्यों घूमेंगे ना, तो चलिए घूमने चले। हमने दिल्ली से फ्लाइट लिया अमृतसर के लिए। दिल्ली से क्यों? क्योंकि दो दिन पहले मैं दिल्ली आई थी अपने काम से। दिल्ली से अमृतसर का एयर ट्रैवल 1 hour 20 minutes के आसपास है। हमने होटल का कैब सर्विस बुक किया था तो हमें एयरपोर्ट से पिकअप करने सोनू पाजी आए हैं। अमृतसर के 4 दिन के ट्रिप में पहले 2 दिन के लिए हमने हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल के नज़दीकों के होटल में से एक होटल बुक किया ताकि बिना किसी मुश्किल के सुबह 3 बजे हम गोल्डन टेम्पल जा सके। रूम काफ़ी अच्छी है, बहुत बड़ी तो नहीं पर काफ़ी नीट एंड क्लीन है गाइस। यहाँ पर आपके सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा गया है। एक छोटा सा डेस्क है जिसमें कॉफ़ी मेकर है। मुझे इंटीरियर्स के कलर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये होटल बिल्कुल नया है। ब्लूम के चेन्स आपको हर बड़े शहर में मिल जाएंगे और सुना है इनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी है। देखते हैं ये कितना सच है। बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। चेक इन के बाद हम निकल पड़े हैं थोड़ा आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने। इसको हेरिटेज वॉकवे भी कहा जाता है। यहीं पर आपको सारी दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, लॉजेस सब मिल जाएंगे। वैसे इस पूरे कैंपस में आपको सिर्फ वेज होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ही मिलेंगे। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स एंड सबवे के आउटलेट्स भी यहाँ पर प्योर वेज है। गोल्डन टेम्पल का डिस्टेंस हमारे होटल से करीबन 600 मीटर है, मतलब बस 5 मिनट वॉकिंग। गुरुद्वारा 24 घंटे खुली रहती है तो आप अपने हिसाब से कभी भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि अर्ली मॉर्निंग में भीड़ बाकी समय के मुकाबले थोड़ी कम रहती है। सच बताऊं दोस्तों तो अमृतसर में पहुंचते ही एक अलग पॉजिटिव वाइब मिल रही है जो मैं आपको वीडियो के ज़रिए समझा नहीं सकती। उसके लिए आपको खुद एक बार यहाँ आना पड़ेगा। अभी जाकर हम अपने होटल में थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुबह 4 बजे उठकर हमें दर्शन के लिए निकलना जो है। गाड़ी फास्ट फास्ट आ रही है। पंद्रह में श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास के द्वारा किया गया और इसका निर्माण 1604 में जाकर पूरा हुआ। सुबह 4 बजे आपको एक खास दृश्य देखने मिलेगा। इस वक्त सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को अकाल तख्त से हरमंदिर साहिब लाया जाता है। ये सही में एक पावन दृश्य है। Thank you.
गुरुद्वारे में एंट्रेंस करने वाले सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती है। यह हम्बल वे ऑफ लिविंग को सिंबलाइज करने के लिए इस तरह से निर्माण किया गया है। ये भी सिग्निफाई करता है कि वन मस्ट बी हम्बल एंड गो डाउन टू रीच द टेम्पल ऑफ गॉड। यहाँ के वातावरण ने सच में दिल में सुकून और मन में शांति भर दिया है। गोल्डन टेम्पल से वापस आकर एक अच्छी नींद के बाद अब हम निकल रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है पार्टीशन म्यूजियम। म्यूजियम भी इसी कैंपस में है और हमारे होटल से बाय वॉक बस 5 मिनट पर है। गोल्डन टेम्पल, पार्टीशन म्यूजियम और जलियांवाला बाग सब आसपास ही है एक ही कैंपस में। टाउन हॉल में पीपल्स म्यूजियम के रूप में एस्टैब्लिश किया गया इस म्यूजियम को दुनिया का पहला पार्टीशन म्यूजियम माना जाता है। इस म्यूजियम का खासियत ये है कि पार्टीशन से पीड़ित लोग और उनके परिवारों द्वारा जेनरसली डोनेट किए गए आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर शामिल है। पार्टीशन म्यूजियम में आपको उस समय की वो सारी चीजें देखने को मिलेगी जो न सिर्फ प्रैक्टिकल यूज के लिए थी पर वो भी जो सेंटिमेंटल वैल्यूज भी रखते थे। म्यूजियम के अंदर वीडियो करने की परमिशन नहीं है तो अंदर ना सही, चलिए आपको बाहर का एक नज़ारा दिखाते हैं। म्यूजियम देखने के बाद मुझे जोरों से भूख लगी और मेरा मन हुआ अमृतसरी फिश फ्राई खाने का। तो हम पहुंच गए एक फेमस रेस्टोरेंट में माखन, जो कि थोड़ा दूर था तो हमने उबर बुक कर लिया। मैंने तो काफ़ी लंबी है पर हम सिर्फ अमृतसरी फिश फ्राई खाने में इंटरेस्टेड है तो रखो इसको साइड में और ऑर्डर करते हैं। दाल चावल के साथ फिश फ्राई खाकर मज़ा आ गया। आप भी चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, नॉट बैड रियली। अगले दिन हम इस कड़कती धूप और छुपती गर्मी में निकल पड़े हैं अपने अगले साइट सीइंग की ओर, जलियांवाला बाग। ये भी हेरिटेज वॉक के कंपाउंड में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस। अंदर घुसते ही गूज़बम्स आ गए। बाग का सिर्फ एक ही गेट था और वो भी सोल्जर्स ने घेर लिया था, इस वजह से लोग भाग नहीं सके। उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी मूर्तियों को यहाँ की दीवारों पर बनाई गई है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अपने सोल्जर्स को जलियांवाला बाग में शांति प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दिया। न जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी। यहाँ पर आपको छोटे छोटे म्यूजियम्स भी देखने को मिलेंगे जो उस भयानक घटना को बयां करती है। अंधाधुंध गोलियों के चलने की वजह से लोगों में कैओस हुई और लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के बीच मौजूद एक कुएं की तरफ भागने लगे और उस कुएं में कूद पड़े। गोलीबारी के बाद कुएं से 200 से ज़्यादा शव मिले। उस दर्दनाक घटना के बाद से इस कुएं को शहीद कुआं या द मार्टियर्स वेल के नाम से जाना जाता है। दीवारों पर ये गोलियों के निशान 13 अप्रैल को हुई उस मैसेकर के दर्दनाक कहानी को बयां करते हैं। Thank you.
ये लाल मीनार जैसा स्ट्रक्चर एक स्मारक के रूप में बनाई गई है। हर शाम यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो होती है। ये अमर ज्योति उन सारे शहीदों के नाम है जो 24/7 चलती है। जलियांवाला बाग से लौटने के बाद हमारे इस होटल से चेकआउट करने का टाइम हो गया है, तो जाते जाते सोचा आपको यहाँ के डाइनिंग स्पेस का भी एक नजारा दिखा दूं। अभी हम अपने अगले होटल में चेक इन कर चुके हैं। ये ब्लूम ग्रुप ऑफ होटल्स का दूसरा ब्रांच है जो शहर के बीचों बीच है। चलिए एक रूम टूर देती हूँ। लंच करके थोड़ा सा आराम करने के बाद हम वहाँ पहुँचे हैं दुर्गियाना टेम्पल, जो अमृतसर के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। दुर्गियाना टेम्पल आपके मन की शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव कराती है। मंदिर का नाम देवी दुर्गा के नाम पर रखा गया है। यहाँ आपको देवी के सारे रूप के दर्शन मिलेंगे। मंदिर एक पवित्र झील के बीच में बना है। इसका डोम और कैनोपीज गोल्डन टेंपल के समान है। मान्यताओं के अनुसार ये वो जगह है जहाँ कभी राम जी के बेटे लव और कुश उनकी माता सीता जी के साथ रहते थे। जब हनुमान जी उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए तो दोनों भाइयों ने उन्हें इस विशाल ब्रज वृक्ष के साथ बांध दिया था। गवर्नर अपना ही चाहिए।
क्या लगता है आज CSK का कुछ होने वाला है? लग रहा है? हार गए। फाइनली सेकेंड डे अमृतसर में हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल थर्ड एंड फाइनल डे है अमृतसर में हमारा। एक्चुअली ये प्लान था कि सेकेंड डे में हम वाघा बॉर्डर रखेंगे, पर मैं सुबह से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे डॉक्टर विजिट करना पड़ा। तो आज का जो भी प्लान था हमने कल के लिए रख दिया। होता है थोड़ा बहुत, कभी भी आप जाते हो तो आपको एक स्पेयर डे रखना चाहिए। थैंकफुली सोम ने वो रखा था, जिसकी वजह से आज हमने दुर्गियाना मंदिर विजिट किया। जैसा आपने देखा, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है, पर लोगों को उस मंदिर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। कि नेक्स्ट टाइम जब भी अमृतसर आए, जो प्लेसेस डेफिनेटली विजिट करना वो तो कीजिएगा, साथ में कोशिश कीजिएगा कि दुर्गियाना मंदिर भी विजिट कीजिएगा। और साथ में हमने लोकल मार्केट भी विजिट किया, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा एक घंटे के अंदर ही जितना हो सके वो किया। मैं आप लोग को बोलूँगी यही कि आपको को अब जब भी अमृतसर आए, आपको ड्राइवर जी हो या कोई भी, आपको स्पेसिफिक शॉप्स के बारे में बोलेंगे कि आप वहाँ पे जाओ, विजिट करो, खरीदो, बहुत चीप रेट में मिल जाएंगे, मत सुनना। उससे पहले प्रॉपर रिसर्च करके आना। कोशिश कीजिएगा आने से पहले लोकल्स से अच्छे से पूछ लीजिए कहाँ पे क्या है। पर अगर आप कोई गाइड से पूछेंगे या ड्राइवर से पूछेंगे या ऐसा कोई, तो मेरे लगता है वो लोग अपना कुछ तो एक रखते हैं, जिसके वजह से वो अपना पर्टिकुलर शॉप्स के नाम बताएंगे जहाँ पे बोलेंगे आप जाओ। मैं तो यही बोलूँगी कि नहीं, आप पहले अच्छे से रिसर्च करके आओ, यहाँ के लोकल्स से बातचीत करो और पता करो कि वो लोग कहाँ से खरीदते हैं, यहाँ के जो स्पेशलिटी है, जो भी आपको चाहिए होगा। और यहाँ पे ज़्यादातर शॉप्स 9:30 मार्केट वगैरह सब बंद ही हो जाता है। तो चलिए, अभी सुबह के 3 बज गए हैं और क्योंकि जल्दी उठना भी है, उठ के नए होटल में शिफ्ट करना और वहाँ से वाघा बॉर्डर जाना है। देखते हैं कल कैसा रहता है कल का दिन। और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस अमृतसर में बहुत अच्छा रहा है। अमृतसर में कुछ तो एक बात है जो पॉजिटिविटी है, एक वाइब है। जैसे ही मैं अमृतसर में एयरपोर्ट से बाहर निकली, तो मुझे बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स फील किया मैंने। मुझे बहुत कुछ एक यूनिक हवा में, एक यूनिकनेस मैंने फील किया। तो हाँ, नई जगह, नए लोगों से मिली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड फिंगर्स क्रॉस कि कल का दिन भी बहुत अच्छा ही जाए, यही होप कर रही हूँ। चलिए तो कल मिलते हैं आप। कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए। सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को? नहीं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको अमृतसर के बारे में कुछ भी जानना हो तो ज़रूर नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं आपको अनबायस्ड और एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट।